आज कुछ ऐसी बेस्ट और टॉप मीम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करेंगे जिनका फ्यूचर भी ब्राइट है, जिनकी बात भी ज़्यादा होती है, सोशल मीडिया पे हाइप भी ज़्यादा है। आज कुछ ऐसे ही मीम टोकन्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, क्रिप्टो करेंसी में मीम टोकन्स का भी बहुत बड़ा रोल है। मीम टोकन्स भी काफ़ी अट्रैक्ट किया है लोगों को, मीम टोकन्स ने भी। और मीम टोकन्स जो हैं, मैं आपको यहाँ पे टॉप 5 टोकन्स बता रहा हूँ कि हर किसी के पोर्टफोलियो में ये टोकन्स होने चाहिए। इनमें से सिर्फ एक कॉइन है जो थोड़ा सा प्राइस उसका ज़्यादा है, बाकी सबका 1 रुपये से कम है प्राइस। और आज इन्हीं 5 टोकन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस लिस्ट में हमने रखा है डोज कॉइन को। जी हाँ, डोज कॉइन, भले ही शिबा इनू के प्राइस आपने देखे रिसेंटली, शिबा इनू की हाइप ज़्यादा है, लेकिन डोज कॉइन शांत है, काफ़ी टाइम से शांत है। और जब डोज कॉइन का बुल रन शुरू होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। इलॉन मस्क साथ में है, इलॉन मस्क के पास डोज कॉइन है, तो इसलिए कह रहा हूँ लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है डोज कॉइन क्रिप्टो करेंसी को। इसके प्राइस की बात करें तो कभी 18 रुपये पे, कभी 20 रुपये पे जाता है। ज़्यादा कोई प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं है, काफ़ी टाइम से 6-7 महीनों से जो प्राइस हैं बिल्कुल नीचे पड़े हैं। और यहाँ से Q4 या अगला साल डोज कॉइन का ही होने वाला है ना। Q4 का एंड जैसे नवंबर दिसंबर या अगला साल डोज कॉइन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। और उस पर सोने पे सुहागा करेंगे इलॉन मस्क के ट्वीट। जी हाँ, जब उनकी खुद की क्रिप्टो करेंसी जो डोज कॉइन को सपोर्ट करते आए हैं, उनके पास डोज कॉइन है, तो जब वो डोज कॉइन बढ़ेगा तो उसको लेकर ट्वीट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और जब ट्वीट आएगा तो प्राइस और इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले नंबर पे अगर मीम क्रिप्टो की बात करें तो हमने डोज कॉइन को रखा है। सेकंड नंबर की मीम क्रिप्टो की बात करें तो वो है शिबा इनू कॉइन। जी हाँ, शिबा इनू कॉइन के प्राइस भी थोड़े से अभी कम ही है, लेकिन जल्दी ही ये भी आपको रुपीज़ की लाइन में आता हुआ दिखेगा। बहुत ज़्यादा बात शिबा इनू की होती है, बहुत ज़्यादा हाइप है। सबसे ज़्यादा मीम क्रिप्टो में अगर बात करें तो शिबा इनू की इस टाइम भी ज़्यादा हाइप है, क्योंकि इस टाइम पे हर कोई शिबा इनू के जो प्राइस इंक्रीज हुए थे उसको देख के एंट्री ले रहा है ना। काफ़ी नए नए इन्वेस्टर भी शिबा इनू कॉइन में आए हैं। तो यहाँ पे इस कॉइन के जो इन्वेस्टर हैं 7,50,000 से ऊपर हो चुके हैं। और जल्दी ही काफ़ी सारी चीज़ें शिबा इनू कॉइन में होने वाली हैं। NFT लेके आए, NFT भी ख़त्म हो गए शिबा इनू के, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लिस्टिंग्स हो रही हैं बैक टू बैक, अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग जिसकी हमें कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, वो भी लिस्टिंग हो रही हैं। रॉबिनहुड की भी लिस्टिंग होने वाली है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, और साथ के साथ बर्निंग भी हो रही है डेली बेसिस पे, जो बर्निंग है, बर्निंग टोकन्स भी हो रहे हैं शिप के। तो सेकंड नंबर पे जो क्रिप्टो करेंसी रखी है शिप, और अगले साल ये भी आपको एक अच्छे लेवल तक पहुँचती हुई दिखेगी। तो हमने सेकेंड नंबर को रखा है शिप को, ये भी आपके बैग के अंदर होनी चाहिए, है ना। तो थर्ड नंबर की अगर क्रिप्टो की बात करें तो वो है बेबी डोज कॉइन। बेबी डोज कॉइन की सप्लाई बेहद ज़्यादा है, लेकिन होल्डर की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा होल्डर हैं। 7 लाख के करीब होल्डर होने वाले हैं, 6,60,000 मतलब 7 लाख के करीब होल्डर होने वाले हैं। और बेबी डोज भी जल्दी 10 लाख होल्डर पार कर लेगा, लेकिन ज़्यादा कोई प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं है बेबी डोज के। एक ट्वीट आया था इलॉन मस्क का बेबी डोज डू डू करके, उसी ट्वीट के कारण बेबी डोज के जो होल्डर हैं इतने इंक्रीज हुए, उसकी भी इतनी हाइप क्रिएट हुई, लेकिन प्राइस में कोई बड़ा ब्रेकआउट अभी तक नहीं आया। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 में, मैं ये तो नहीं कह रहा रुपीज़ की लाइन में आ जाएगा बेबी डोज, लेकिन काफ़ी जीरो जरूर किल कर सकता है बेबी डोज। थर्ड नंबर की जो क्रिप्टो करेंसी रहेगी वो बेबी डोज रहेगी। बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बहुत जल्दी ये नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, एक्सचेंज, NFT, ये सब मैंने पिछले रोड मैप के अंदर बताया था जब इन्होंने अपडेट दिया था थोड़ा सा। तो बेबी डोज रहेगी थर्ड नंबर के ऊपर, आप इसको भी अपने बैग के अंदर ऐड कर सकते हो। फोर्थ नंबर की क्रिप्टो की अगर बात करें मीम क्रिप्टो की, तो वो है डोज इलॉन मार्स। जी हाँ, डोज इलॉन मार्स क्रिप्टो को हमने रखा है फोर्थ नंबर पे। मैं आपको ये सारी 5 की 5 क्रिप्टोज बता रहा हूँ, ये फ्यूचर में काफ़ी कमाल करने वाली हैं, ठीक है। मीम टोकन्स और भी हैं, बहुत सारे हैं मीम टोकन्स, लेकिन उन पे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी जैसे जैसे जो परफॉर्मेंस रहेगा। अभी सिर्फ 5 टोकन्स मैं आपको बता रहा हूँ जो हर किसी के बैग में मुझे ऐसा लगता है होने चाहिए, फ्यूचर में कमाल हो सकता है। डोज इलॉन मार्स की अगर बात करें, होल्डर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 80,000 के करीब इसके होल्डर हैं। और ये भी एक मीम क्रिप्टो है, प्राइस इसके भी अभी कम है 1 रुपये से, ये भी जीरो किल करता हुआ दिख सकता है 2022 के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें
डोजिलोन मार्स में भी फ्यूचर में हो सकती हैं। तो फोर्थ नंबर की जो हमने क्रिप्टो रखी है वो डोजिलोन मार्स रखी है, और रिसेंटली ही डोजिलोन मार्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, उसके बारे में सब कुछ आपको बताया था, आप खुद चेकआउट कर सकते हो। दूसरे चैनल पे वो वीडियो है, आप दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको वहाँ भी अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल मीम टोकन के बारे में, मीम क्रिप्टो के बारे में। और ये क्रिप्टो मुझे खुद बहुत, मतलब मैं इस क्रिप्टो को लेके काफ़ी बुलिश हूँ। रिस्क क्रिप्टो का नाम है फ्लोकी इनू। जी हाँ, फ्लोकी इनू जल्दी ही, इसके बीच में जितनी 2-3 जीरो आ रही हैं, ये जल्दी ही आपको अच्छे लेवल तक पहुंचता दिखेगा। 1 रुपी तक भी, $1 तक भी जा सकता है 2022 में। जी हाँ बिल्कुल, 1 रुपी और $1 दोनों में से जा सकता है, रुपीज़ की लाइन में तो आ ही सकता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे जो हैं फ्लोकी इनू के काम हो रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं। और जो इनके 3 प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए थे, ग्रीन मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है फ्लोकी इनू, और साथ के साथ फ्लोकी इनू यूनिवर्सिटी और जो मर्चेंट मार्केट प्लेस है उसको लेके भी काम चल रहा है। तो फ्यूचर में फ्लोकी इनू भी काफ़ी ग्रोइंग मीम क्रिप्टो करेंसी होने वाली है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मीम क्रिप्टो करेंसी। 5 टॉप मीम क्रिप्टो करेंसीज। मैं आपको यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन इन क्रिप्टोज़ को अगर देखें तो फ्यूचर में काफ़ी कमाल कर सकती हैं। प्राइस अभी कम है, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहली चीज़, आप खुद से अपनी रिसर्च इन क्रिप्टोज़ के ऊपर ज़रूर करो, क्योंकि सिर्फ एक डॉज कॉइन है जो कि 17-18 रुपये 20 रुपये पे है, बाकी सबके प्राइस 1 रुपये से कम है। लेकिन फ्यूचर में शिबा इनू कॉइन हो, फ्लोकी इनू हो, डोजिलोन मार्स हो, बेबी डोज हो, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी वाले कॉइन्स हैं ये, ठीक है। तो फ्यूचर में काफ़ी कमाल करने वाले हैं ये कॉइन्स। सबका टारगेट 1 से 2 साल आप रख सकते हो, 2022 का रहेगा वैसे तो एंड तक, लेकिन आप ज़्यादा होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो। आपकी खुद की रिसर्च बेहद ज़रूरी है इन 5 कॉइन्स के ऊपर, 5 मीम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कुछ टॉप मीम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, जिनका फ्यूचर भी ब्राइट होने वाला है, हाइप भी ज़्यादा है, बात भी ज़्यादा होती है, और इलॉन मस्क भी हैं जो शिबा इनू और डॉज कॉइन को लेके, इनडायरेक्टली शिबा इनू के भी साथ हैं इलॉन मस्क, ठीक है। ये चीज़ खुल के नहीं बताते इलॉन मस्क, लेकिन शिबा इनू के साथ भी कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन उनके ट्वीट्स का जुड़ता ही रहता है। तो ये कुछ थी टॉप 5 मीम क्रिप्टो करेंसीज। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहें।